सोच के देखिए, आपकी बॉडी में काफी तरह की सर्जरियां हो चुकी हैं और हर बार आपकी बॉडी से शरीर का एक हिस्सा गायब हो जाता हो। मैं कोई कहानी या किस्सा नहीं सुना रही, बल्कि ये घटना एक शख्स के साथ होती रहती है। अजब गजब में आप सबका स्वागत करती हूँ, मैं हूँ मेघा। नमस्कार दोस्तों, आपने बहुत सारी बीमारियों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी किसी ऐसी बीमारी के बारे में सुना है जिसमें किसी इंसान के शरीर का एक पार्ट ही गायब हो जाए? आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स के बारे में बताएंगे जो पिछले कई सालों से ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसमें शरीर के अंग गायब हो जाते हैं। ये बीमारी दुनिया की सबसे दुर्लभ बीमारियों में से एक है और जिस शख्स को ये बीमारी है उसका नाम है डेरेन फर्ग्यूसन। वो लंदन में रहता है। इस शख्स को ऐसी बीमारी है जिसमें इसकी किडनी बार बार शरीर से गायब हो जाती है, इसलिए अब इस शख्स को लोग 6 किडनी वाले इंसान के रूप में जानने लगे हैं। डेरेन बचपन से ही किडनी फेलियर का शिकार था, जिसकी वजह से ये अब तक 5 बार किडनी ट्रांसप्लांट भी करा चुके हैं। हर 4 से 5 साल में उन्हें अपनी किडनी बदलवानी पड़ती है। यही नहीं, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब भी डेरेन किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं तो उनकी पुरानी किडनी बाहर नहीं निकाली गई। आपको बताएं, उनकी किडनी खुद ब खुद गायब हो जाती है। पिछले 37 सालों से वो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। जब वो 5 साल के थे तब उन्हें ये गंभीर बीमारी हो गई। जन्म के दौरान डेरेन की किडनी ब्लॉकेज हो रखी थी, जिसके चलते उनकी किडनी फेल हो गई थी। सिर्फ 5 साल की उम्र में ही डेरेन की किडनी ट्रांसप्लांट की गई। उसके 11 साल बाद फिर से किडनी को ट्रांसप्लांट करवाना पड़ा। जब तीसरी बार उनकी किडनी ट्रांसप्लांट की गई तब उनकी उम्र 21 साल थी। उसके 3 साल बाद ही उन्हें चौथी बार अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़ी। उसके बाद 30 साल की उम्र में डेरेन ने फिर से अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कराई। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो डेरेन ने 10 साल पहले अमांडा से शादी की थी। शादी से पहले उन्होंने अमांडा को अपने बारे में बताया भी था। उन्होंने बताया था कि उन्हें एक बीमारी है जिसकी वजह से किसी भी वक्त उनकी मौत हो सकती है। डेरेन का परिवार उन्हें रोबोकॉप के नाम से भी बुलाता है, क्योंकि उन्हें जिंदा रहने के लिए कई तरह की मशीनों का सहारा लेना पड़ता है। डेरेन की इस कंडीशन को देखकर डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि वो कभी पिता नहीं बन सकते। ऐसे में डेरेन ने इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट कराने का फैसला किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लेकिन रहस्यमय तरीके से 2014 में डेरेन की पत्नी पहली बार प्रेग्नेंट हो गई और उसके बाद उन्होंने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। पर दोस्तों, दुनिया में कौन सी बीमारी कब किसे हो जाए ये कोई कह नहीं सकता। हैरान करने वाली बातों के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें,